हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है गुरु नीति के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम 82 नंबर की गुरु नीति शूट करेंगे जो कि अपने पास में बायोटेक्नोलॉजी थर्ड की है। बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट और सेकंड के मैक्सिमम क्वेश्चन हम आपको दे चुके, इसमें समराइज किया गया है पूरी को, तो कोई ज़्यादा अपने पास में न्यू कॉन्सेप्ट अपने पास में इसमें कम है, परंतु पूरे कॉन्सेप्ट अपने पास में समराइज कर दिया गया है। मैं करण यादव, सीएलसी सीकर, टीम बोटनी। मेरे साथ हैं सर्वेश सर, अपने पास में टीम बोटनी, सीएलसी सीकर। बिल्कुल सर, तो करते हैं स्टार्ट। करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड सक्सेसफुली इन क्लोनिंग ऑफ एलियन डीएनए इज। देखिए, अब आपने पास में पूछा है कि भाई एलियन डीएनए जो है उसको सक्सेसफुली क्लोन कराने के लिए कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो सर अपने पास में इकोलाई हो गया, अपने पास में जितने भी अपने पास में क्लोनिंग वेक्टर है वो मैक्सिमम प्रोडक्ट हम उनका इकोलाई से लेते हैं। बिल्कुल, जनरली देखा भी होगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, बायोटेक में मोस्ट यूजफुल जो बैक्टीरिया है वो इकोलाई है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये आपका एक मॉडल बैक्टीरिया है, दूसरा ये नॉन पैथोजेनिक है, इजीली अवेलेबल हो जाता है। जनरली जो सर रिसर्च भी हुई है ना प्रोकैरियोट में, वो सब इकोलाई है, तो जनरली इसको यूज करते हैं अपन प्रोकैरियोट में अगर कोई रिसर्च करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैचिंग। इनकरेक्ट मैचिंग अपने को देखनी है। पहला है रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो बिल्कुल सही बात है सर, अपने पास में रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए का फॉर्मेशन जो होता है वो अपने पास में जेनेटिक इंजीनियरिंग में ही किया जाता है। तो अपने पास में पहला सही है। क्लोनिंग विकल्प प्लास्टिड, देखिएगा प्लास्टिड दे रखा है यहाँ पर सर, प्लाज्मिड नहीं दे रखा है, इसमें थोड़ा ध्यान जल्दीबाजी में मिस्टेक होती है। हाँ। प्लाज्मिड होना चाहिए, प्लाज्मिड होना चाहिए, ये प्लास्टिड दे रखा है। प्लाज्मिड का अपने पास में यूज किया जाता है क्लोनिंग वेक्टर में, प्लास्टिड का नहीं। प्लास्टिड तो क्लोरोप्लास्ट और इनके अपने पास में पार्ट हो जाता है, तो अपने पास में ये रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है मैक्रोमोलिक्यूल सेपरेशन, अपने पास में इलेक्ट्रोपोरेसिस। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डीएनए जो है वो अपने पास में एक पॉलीमर की तरह यूज होता है, तो डीएनए पॉलीमर है और पॉलीमर जो होता है वो मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर हमारे पास में इंक्लूड किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन है डीएनए लाइगेज जो होता है वो सीलिंग एंजाइम है। बिल्कुल सही बात है सर, जो अपने पास में टुकड़े होते हैं जैसे ओकाजाकी खंड वगैरह अपने पास में, उनको वापस से जोड़ने का काम अपने पास में डीएनए लाइगेज, मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोल देते हैं इसको, मॉलिक्यूलर गम, मॉलिक्यूलर ग्लू। तो अपने पास में आंसर हो गया इसका सेकंड, हो जाएगा इनकरेक्ट जो मैचिंग है वो सेकंड। अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टॉक्सिक प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। तो अपने पास में इसके बारे में अपने को चूज करना है कि भाई आपने करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो देखिएगा, इट एक्ट इन एसिडिक मीडियम एंड बाइंड टू एपिथेलियल सेल ऑफ फॉरगेट। मेरे ख्याल से सर इसका पूरा प्रोसीजर आपने बताया था लास्ट लेक्चर में, पूरा डिटेल में बता दिया था किस तरह से इसका मोड ऑफ एक्शन है, किस तरह से ये जो इंसेक्ट उसको किल करता है, तो वहीं से क्वेश्चन डिजाइन हो गया। तो अपने पास में सर ये तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि पहली बात अपने पास में ये पीएच अपने पास में बेसिक पे वर्क करता है, और दूसरी बात अपने पास में फॉरगेट की जगह ये मिडगेट होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है इट एक्ट इन न्यूट्रल मीडियम, जो कि अपने पास में अभी बताया अपन ने कि ये बेसिक मीडियम में वर्क करता है, तो न्यूट्रल अपने पास में वैसे रॉन्ग हो गया। बाइंड टू एपिथेलियल सेल ऑफ हाइंड गट नहीं होकर के अपने पास में सर मिड गट होगा, ये दोनों ही रॉन्ग हो गए, दोनों ही रॉन्ग हो गए। थर्ड, इट एक्ट इन एल्कलाइन मीडियम एंड बाइंड टू एपिथेलियल सेल ऑफ फॉरगट, तो ये फॉरगट नहीं होकर के अपने पास में क्या होगा सर, मिडगट। तो अपने पास में इस तरह से फोर्थ ऑप्शन एल्कलाइन मीडियम और मिडगट अपने पास में सही हो जाएगा। तो इस तरह से अपने पास में इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। तो अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग विद रेस्पेक्ट टू सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, पहला जो है अपने पास में स्टेटमेंट, द डीएनए फ्रेगमेंट मूव टूवर्ड एनोड अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द मैट्रिक्स। बिल्कुल सही बात है, अपने पास में जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसके अंदर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव अपने पास में वो कॉर्नर होता है सर, तो अपने पास में उधर से इधर अपने पास में मूवमेंट होता है वाई मैट्रिक्स। दूसरा है द कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स इज एग्रोजोल,
बिल्कुल सही बात है। एग्रो जेल जो होता है वो सीवीड्स से निकाला जाता है अपने पास में, और सीवीड्स जो होता है वो अपने पास में जनरली रेड एल्गी को यूज किया जाता है, इसमें जेलेडियम और ग्रासिल एरिया को, तो उससे अपने पास में सेपरेट होता है। थर्ड है द डीएनए फ्रेगमेंट रिजोल्व अकॉर्डिंग देयर साइज, बिल्कुल सही बात है, अपने साइज के अकॉर्डिंग उनको अपने पास में जमाया जाता है। नेक्स्ट है द लार्जर डीएनए फ्रेगमेंट मूव रैपिडली देन स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट, ये रॉन्ग हो जाएगा सर, क्योंकि लार्जर डीएनए फ्रेगमेंट जो होगा वो धीरे मूव करेगा अपने, भाई सीधी सी बात है सर, कहीं पर भी जेल भरा हो तो स्मॉल साइज वाला अपने पास में फास्टर मूव करता है एज कम्पेयर टू लार्ज साइज, तो अपने पास में ये रॉन्ग हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, साइलेंसिंग ऑफ ए जीन कुड बी अचीव थ्रू द यूज ऑफ, देखिएगा जीन साइलेंसिंग आपको शुरू से ही अपने पिछली गुरुनीति में भी सर डिस्कस किया था कि जीन साइलेंसिंग का मतलब होता है कि किसी भी जीन से अपने पास में प्रोटीन का बनना रोकना, तो अपने पास में आपको पता है कि जीन जो होता है वो अपने पास में पार्ट किसका होता है सर, डीएनए का, डीएनए अपने पास में एमआरएनए बनाएगा, या तो अपन इसके एमआरएनए को बनने से रोकें या फिर इस एमआरएनए को बन गया तो इससे अपने पास में प्रोटीन फॉर्मेशन को अपने पास में रोक सकते हैं, तो अपने पास में ये क्या कहलाएगा, जीन साइलेंसिंग। तो जीन साइलेंसिंग में सर अपने पास में हम एक तो आरएनए इंटरफेरेंस जो अपन इसको बोलते हैं आरएनएआई टेक्निक, तो ये यूज करते हैं, और एंटीसिस आरएनए एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी दोनों यूज किया जाता है, तो अपने पास में आंसर हो जाएगा वो। तो इस तरह से अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं 105 के बाद 106, माइलोमा सेल आर यूज्ड इन हाइब्रिडोमा टेक्निक बिकॉज, तो सर अपन ने कल भी हाइब्रिडोमा टेक्निक के बारे में बात किया था कि हाइब्रिडोमल एंटीबॉडी प्रोडक्शन बेस का यूज किया जाता है, और अपने पास में ये इसमें माइलोमा सेल ही क्यों यूज की जाती है, क्योंकि माइलोमा सेल जो होती है वो कैंसरस सेल होती है एक तरह से, इनकी जो अपने पास में डिवाइडेशन पावर होती है वो रैपिडली होती है, तो अपने को सेल से एंटीबॉडी बनाना है, तो जितनी ज्यादा सेल होंगी डिवाइड होंगी उतनी ही ज्यादा अपने पास में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा, तो अपने पास में क्या होंगी ये रैपिडली अपने पास में ग्रोथ कर सकती है, तो अब ऑप्शन देखते हैं, दे कैन नॉट ग्रो इन टिश्यू कल्चर, ये तो रॉन्ग हो गया सर, तो अपने पास में दे कैन ग्रो इनफाइनेटली अपने पास में असीमित रूप से वृद्धि करती है, तो ये सही हो जाएगा, तो अपने पास में दे आर नॉन कैंसरस सेल, अभी अपन ने बताया कि कैंसरस प्रॉपर्टी होती है इसमें, कैंसरस डिवाइड, हां तो ये इजीली अवेलेबल होती है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, बिल्कुल सर। नेक्स्ट अपने पास में हम बात करते हैं 107 की, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन्वॉल्व, तो अपने पास में हम इसके बारे में बात करते हैं आरडीएनए बनाने में क्या क्या अपने पास में इन्वॉल्व होगा, तो अपने पास में पहला है क्लीवेज एंड रीजॉइनिंग डीएनए सेगमेंट विद एंडोन्यूक्लियस अलोन, तो अपने पास में एंडोन्यूक्लियस अकेला थोड़ी ना अपने पास में किसी डीएनए को कट कर सकता है और जोड़ सकता है, लाइगेंस की रिक्वायरमेंट होगी, एंडोन्यूक्लियस तो सिर्फ अपने पास में किसी भी डीएनए को कट कर सकता है स्पेसिफिक साइट से, तो अपने पास में ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड है क्लीवेज डीएनए सेगमेंट विद एंडोन्यूक्लियस एंड रीजॉइनिंग देम विद लाइगेज, ये अपने पास में बात सही है, क्योंकि भाई अपने पास में आप डीएनए को कट कर सकते हो एंडोन्यूक्लियस के द्वारा और फिर उसकी रीजॉइन को लाइगेज, तो लाइगेज को हम क्या करेंगे यूज करेंगे। नेक्स्ट थर्ड है अपने पास में क्लीविंग ऑफ डीएनए सेगमेंट विद लाइगेज, लाइगेज तो क्लीवेज का काम करता ही नहीं है, तो अपने पास में ये रॉन्ग हो गया। और अपने पास में फोर्थ ऑप्शन है क्लीविंग ऑफ रीजॉइनिंग डीएनए सेगमेंट विद लाइगेज अलोन, तो ये फिर रॉन्ग हो गया, क्योंकि अपने पास में इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम आरडीएनए बना सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज सेकंड। सेकंड। तो अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। Which of the following is not true for recognition sequence? तो अपने पास में recognition sequence के बारे में कौन सा अपने पास में जो है गलत है उसको देखना है अपने को। तो देखिएगा सर ने अभी लिखा है कि रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस जो होती है वो अपने पास में कौन से सीक्वेंस होती है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है, तो अपने पास में पहला है अपने पास में मॉडिफिकेशन बाय मिथाइलेशन ऑफ बेस
विद इन देम प्रिवेंट रेस्ट्रिक्शन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए। बिल्कुल सही बात है सर, अपन ने पहले भी बताया था कि इको आर जितने भी मतलब सॉरी अपने पास में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की अपन बात करें तो जितने भी हैं वो कहां से निकाले जाते हैं, बैक्टीरिया से निकाले जाते हैं, और ये बैक्टीरिया को अपने पास में कोई भी हार्मफुल नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वजह क्या है, क्योंकि अपने पास में बैक्टीरिया अपनी रेस्ट्रिक्शन साइट को प्रिवेंट करके रखता है मिथाइलेशन के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट अपना करेक्ट हो गया। तो अपने पास में दूसरा है, दे आर यूजुअली सिमेट्रिकल सीक्वेंस 4 and 8 न्यूक्लियोटाइड। तो ये भी सही बात है अपने पास में, क्योंकि ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है और इसमें 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। दे सिंगल द अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ये फिर रॉन्ग हो गया सर, क्योंकि यहाँ पर अटैचमेंट किसका होता है, एंडोन्यूक्लियस का। तो अपने पास में रेस्ट्रिक्शन एंजाइमों का अपने पास में अटैचमेंट होता है, तो उसकी वजह से ये अपने पास में रॉन्ग हो गया। अब अपना आंसर तो मिल गया, लेकिन फोर्थ ऑप्शन और देख लेते हैं। Each recognition sequence is cut by specific restriction enzyme. ये बिल्कुल सही बात है सर। हर अपने पास में जो होता है एक specific restriction enzyme हर site को cut करता है, तो उसे उसी site का restriction enzyme cut करेगा। तो इसका हो जाएगा third. Question number अगर हम बात करते हैं 109. Gene amplification using primer can be done by. तो अपने पास में सर अपन तो जानते ही हैं, जीन एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है कि जीन की संख्या बढ़ाना। तो अपने पास में एक ही मेथड है पीसीआर, जीन क्लोनिंग का भी बोल सकते हैं, जीन एम्पलीफिकेशन का भी बोल सकते हैं, और एन साइकिल में अपने पास में कितना बनाएगा सर, 2 की पावर n कॉपी अपने पास में ये बनाएगा। तो ये अपने पास में हो जाएगा जीन एम्पलीफिकेशन बाई पीसीआर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 1010, ठीक है। एलाइजा इज बेस्ड ऑन, देखो एलाइजा अपने पास में एंटीजन और एंटीबॉडी पर बेस्ड अपने पास में एक टेस्ट होता है, तो एंड यूज टू डिटेक्ट। अब किसको डिटेक्ट करेगा, अपने पास में प्रोटीन को, क्योंकि एंटीजन्स जो होते हैं वो जनरली किसके बने होते हैं सर, प्रोटीन के। अपन ये भी बोल सकते हैं कि ये एंटीजन को डिटेक्ट करता है, लेकिन ऑप्शन में कहीं मेरे को एंटीजन नजर नहीं आ रहा डिटेक्ट में, तो एंटीजन की जगह प्रोटीन लिखा हुआ, तो अपने पास में ये डिटेक्ट किसको करेगा, प्रोटीन। ये डिटेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रोटीन, प्रोटीन एंड बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, जैसे आपने बताया। हाँ, जिससे अपने पास में देखो ये लिखा हुआ है एग्लूटेशन। एग्लूटेशन जो होता है अपने पास में, ये इसके प्रोसेस होता है एंटीजन एंटीबॉडी का जो इंटरेक्शन है ना, इसको अपन एग्लूटेशन के नाम से जानते हैं। तो अपने पास में इसलिए क्या है, ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन बेस्ड अपने पास में टेस्ट है एलाइजा, और जनरली ये एड्स वगैरह के लिए अपने पास में यूजफुल होता है। बट आजकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेक्निक फॉर द डिटेक्शन ऑफ एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट, तो उसमें यूज कर रहे हैं अपन पीसीआर, कॉमनली पीसीआर मेथड को यूज करते हैं, क्योंकि वो कंफर्मेटरी एविडेंस होता है। हां, वो कंफर्मेटरी, जैसे आपने बताया एंटीजन एंटीबॉडी जो इंटरेक्शन, उसमें तो कई बार क्या होता है, कुछ जो वायरस या बैक्टीरिया कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें कुछ एंटीजन वगैरह सिमिलर होते हैं, और बनने में भी टाइम लगता है, उसको अपन कंफर्मेटरी एविडेंस में इंक्लूड नहीं करते आजकल एलाइजा को, बट पहले एलाइजा ही करते हैं, उसके बाद में फिर पीसीआर मेथड को यूज किया जाता है ताकि कंफर्म हो जाए। तो अपने पास में ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेस कल्चर मीडियम एडेडेड ड्यूरिंग कल्चरिंग बिकॉज इट इज हेल्पफुल इन, तो अपने पास में देखिएगा, फ्रेश अपने पास में एडेड कर रहे हैं, और अपने पास में एक तरफ से कल्चर मीडियम जो है वो क्यों ऐड करते हैं फ्रेश। तो पहला है कि टू प्रोवाइड साल्ट, देखो साल्ट तो प्रोवाइड होते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि साल्ट को प्रोवाइड करवाया जाए। तो अपने पास में क्या होता है, नेक्स्ट टू रिटेन सेल फिजियोलॉजिकली एक्टिव, तो ये अपने पास में हो सकता है सर, क्योंकि भाई अपने पास में सेल को अपने को फिजियोलॉजिकली एक्टिव रखना है ताकि उसका प्रोडक्शन हमें मिल सके। तो सेल को फिजियोलॉजिकली एक्टिव रखने के लिए हम न्यू फ्रेश मीडियम उसमें एंटर कराते रहते हैं, और इंक्रीज पीएच, तो ये तो कोई वो नहीं है, जैसा प्रोडक्ट मिलेगा वैसे पीएच इंक्रीज होगी, और टेम्परेचर का भी कोई लेना देना नहीं। तो अपने पास में सेकंड है, और सर ने डायग्राम बनाया। बिल्कुल बिल्कुल, एनसीईआरटी में भी ये स्टेटमेंट अच्छा इंपॉर्टेंट है, इसको अपन बोल भी देते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड द कंटीन्यूअस कल्चर मीडियम दैट इज यूज्ड टू मेंटेन द सेल्स इन देयर
हाईएस्ट फिजियोलॉजिकल एक्टिव स्टेट दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फेज, ताकि आपकी जो सेल है वो प्रॉपरली ग्रो करते रहे। और यहाँ पर जो ग्राफ आता है जैसा लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जे शेप आएगा तो सेल ऑलवेज किसमें होंगी, एक्सपोनेंशियल फेज में रहेंगे। तो ऑब्वियसली आपका जो कंटेंट जो है, जो मीडियम है, उसके अंदर इसकी ग्रोथ बेटर होगी और जो प्रोडक्ट है उसका अमाउंट भी आपको कंटिन्यूसली जो है मिलता रहेगा। इसलिए कल्चर मीडियम कौन सा काम में लेंगे अपन, जो न्यूट्रिएंट कल्चर सिस्टम कौन सा काम में लेंगे, कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम। तो बायोरिएक्टर में जनरली ये यूज में लेते हैं अपन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है, डिफरेंस बिटवीन रिकॉम्बिनेंट सेल फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन प्रेजेंस ऑफ ए क्रोमोजेनिक सब्सटेंस इन दिस प्रोसेस एंड एंजाइम जीन बिकम इनएक्टिव विच इज रेफर्ड एज। तो अपने पास में सीधी सी एक बात है जो अपन हमेशा ही बताते आए कि अपने पास में इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाता है। भैया अपने पास में आपको सोल्यूशन हम बताते भी आए हैं, बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस भी, तो आप एक बार उसको फिर से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अपने पास में इसमें देखिएगा, सबसे पहली कंडीशन होती है आरडीएनए बनाना। तो आरडीएनए जब बन जाता है तो अपने पास में जीन को सर अपन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाता है, कहीं भी ऐड कर देते हैं। मान लो कि अपन ने यहाँ पर कोई अपनी वांछित जीन ऐड कर दी, तो इसमें दो कंडीशन होती है, प्लाज्मिड या तो जीन लेता है या जीन नहीं लेता है। प्लाज्मिड जीन ले लेता है तो कंडीशन बनती है आरडीएनए, और नहीं लेता है तो बनता है सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड। ठीक है सर, तो अपने पास में एक हो जाएगा सेल्फ लाइगेटेड और एक हो जाएगा आरडीएनए। तो अपने भाई ये है कि ऐसे मतलब ऐसे नहीं कि एक एक प्लाज्मिड को लेकर के उसमें जीन देते हैं, ये रैंडम प्रोसेस होता है। एक बड़ा बीकर है, उसमें अपने पास में क्या करते हैं प्लाज्मिड डाल देते हैं, प्लाज्मिड के बाद में उसी में अपन क्या कर देते हैं एंजाइम पुट कर देते हैं। अब वो उसी वो एंजाइम वही कट करेगा अपनी जीन को, और फिर उसी में हम लाइगेज डाल देंगे। तो लाइगेज को थोड़ी पता है कि जीन कहाँ जोड़नी है, उसको तो जो मिलेगा उसी से जोड़ देगा। अगर मान लो कि उसको अपने पास में व्हीकल जीन मिल गई तो वो वैक्टर से जोड़ देगा, और वैक्टर की जीन ही मिल गई तो वापस से वैक्टर को सेल्फ लाइगेटेड बना देगा। तो दो कंडीशन हो जाएगी। अब ये दो कंडीशन के बाद में हम उसमें डाल देंगे होस्ट सेल। होस्ट सेल डालने से अपने पास में तीन कंडीशन बन जाएंगी कि होस्ट सेल क्या करेंगी, या तो अपने पास में होस्ट सेल कोई प्लाज्मिड लेंगी ही नहीं, ठीक है, तो ये अपने पास में उसका खुद का डीएनए होगा, तो ये क्या तो प्लाज्मिड लेंगी ही नहीं। तो प्लाज्मिड लेंगी नहीं तो सर लिख दिया कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो जाएगी और नॉन रिकॉम्बिनेट। तो ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेट, या फिर अपने पास में ये प्लाज्मिड लेंगी और कौन सा प्लाज्मिड लेंगी आरडीएनए, तो ये कहलाएगी ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेट। और या फिर ये प्लाज्मिड लेंगी कौन सा लेंगी सेल्फ लाइगेटेड वाला, तो ये कहलाएगी नॉन रिकॉम्बिनेट ट्रांसफॉर्मेंट। तीन कंडीशन हो गई, पहले स्टार्टिंग में दो कंडीशन बनी, फिर होस्ट सेल जाते ही अपने पास में तीन कंडीशन बन गई। अब हम इन तीन में से सेलेक्ट करते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के बेसिस पर। और जो प्लाज्मिड एक तो सर एंजाइम वाली जीन रखे और एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन रखे, वो ज्यादा बेटर प्लाज्मिड होता है। बिल्कुल, तो इस तरह से अपने पास में ये करते हैं हम। तो अब इसको देख लेते हैं, तो इसको तो अपन बोल ही देते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, निवेशी निष्क्रियता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब अपने पास में आता है मैच द फॉलोइंग इंसेक्ट विच आर किल्ड बाई प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाई सम स्ट्रेन ऑफ बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस बैक्टीरिया। आपको पहले ही बता चुके थे कल सर कि बीटी बैक्टीरिया जो होता है उसके अंदर अपने पास में क्राइजीन होती है, और क्राइजीन के अपने पास में मेनली अपने थ्री पार्ट किए थे, एक अपने पास में क्राई फर्स्ट ए बी, और एक क्या था सर क्राई फर्स्ट ए सी, और एक था क्राई सेकंड ए बी के भी। इस तरह से अगर हम इसको मैच द कॉलम करेंगे तो अपने पास में फोर्थ वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट। यहां पर एग्जांपल दिए, तीनों एग्जांपल याद में रखने हैं, जैसे लेपिडोप्टेरन है तो लेपिडोप्टेरन जो ग्रुप है उसके अंदर अपन इंक्लूड करेंगे किसको, आर्मी वर्म को एंड आल्सो द टोबैको वर्म। इसके अलावा जो डिप्टेरन है सर, डिप्टेरन के अंदर जो है आते हैं आपके फ्लाइज एंड मॉस्किटो, और जो कोलियोप्टेरन हैं उनमें आते हैं बीटल, और ये एनसीईआरटी का सिंपल एग्जांपल, इसलिए इसको अपन इंक्लूड किया था कि एग्जांपल बच्चों को याद हो जाए, तो यहां से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो इसको आप मैच द कॉलम बिल्कुल हो जाएगा, मैच कंपन कर दी उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आएगा, फाइंड आउट द मिसमैच पेयर
लाइसोजाइम जो होता है वो बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिजोल्व करते हैं, लाइसिस एंजाइम है सर, काइटिनेज जो होता है वो फंगस पी को करता है, बिल्कुल सही बात है, सेलुलेज जो है वो अपने पास में प्लांट सेल को करता है। लेकिन ये ध्यान रखना भाई, ये एंजाइम लिखे हुए हैं कई बार यहाँ पर सेलुलोज भी लिख देता है और फिर प्लांट सेल दे देगा तो वो मिसमैच हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट है अपने पास में चिल्ड इथेनॉल, तो अपने पास में ये डीएनए के प्रेसिपिटेशन का अपने पास में यूज होता है सर, इससे इसका कोई मैचिंग नहीं है, कोई मैचिंग नहीं है प्रोटीन से, तो फोर्थ आंसर अपने पास में हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास में विच एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जिन एक्ट एज सेलेक्टेबल मार्कर। देखो कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हो प्लाज्मिड के ऊपर वो सिलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज आ सकती है सर, क्योंकि भाई अपने पास में रिकॉम्बिनेट नॉन रिकॉम्बिनेट इनको पहचानने में वो काम तो करेगी, कम से कम कोई भी एंटीबायोटिक जीन है वो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को तो सिलेक्ट कर ही सकती है। तो अपने पास में जो भी है कैनामाइसिन हो या क्लोरोफिनामिनिकोल हो या अपने पास में एम्फिसिलिन हो, कोई भी हो अपने पास में वो एंटीबायोटिक क्या कर सकती है, सेलेक्टेबल मार्कर जीन की तरह यूज हो सकती है। बिल्कुल ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आंसर, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट अपने पास में है द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रिपेयर्ड इन 1997 देयर मिल्क कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ। बिल्कुल, तो रोजी के बारे में तो अपन जानते ही हैं, रोजी काउ जो है वो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ बनाई गई थी और ये उनके लिए यूजफुल होती है जो बेबी जिनकी मदर एक्सपायर हो जाती है अपने पास में और उनको दूध पिलाया जाता है, क्योंकि सर जो अपने पास में काउ का नॉर्मल काउ का बफोलो का जो दूध होता है उसमें फैट का अमाउंट ज्यादा होता है तो वो डाइजेशन नहीं हो सकता, और अपने पास में सबसे कम जो मिल्क में फैट का अमाउंट होता है वो ह्यूमन के मिल्क में होता है, तो उसके लिए अपने पास में एक जीन जो थी अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन बनाने वाली अपने पास में उस जीन को ट्रांसफर किया गया रोजी काउ में, और रोजी काउ बने फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, इसका मिल्क जो होता है वो यूजफुल होता है। बिल्कुल, तो इसमें रोजी के सारे क्वेश्चन याद है, प्रिपेयर्ड इन 1997 ट्रांसजेनिक फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, और इसको अपन ने क्यों डिजाइन किया था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन प्रोटीन दैट इज अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। During the production of any desirable product of rDNA technology, recombinant cell culture in medium, we have drained medium out from one side while fresh medium is added in. This type of culturing is known as. बिल्कुल, अभी just question में बात कर रहे हैं, culture is called continuous culture system. भाई अपने पास में जैसे असर ने वो diagram बनाया था कि भाई एक तरफ से हम प्रोडक्ट को निकालते रहते हैं और एक तरफ से अपने पास में फ्रेश मीडियम को ऐड करते रहेंगे, और फ्रेश मीडियम क्यों ऐड करते रहेंगे वो पीछे वाले क्वेश्चन में आया था, ताकि सेल हमेशा फंक्शनली क्या रहे, एक्टिव रहे। तो इस प्रकार का जो कल्चर मीडियम है वो कंटीन्यूअस कल्चर मीडियम कहलाता है। तो इसके बाद में अपने पास में नेक्स्ट आता है व्हिच वेक्टर कंटेन वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल। तो अपने पास में सर आपने पहले भी बताया था इसको पिछली बार में जब अपन बैक्टीरियोफेज की बात कर रहे थे कि भाई कॉपी नंबर जो होता है वो प्लाज्मिड से ज्यादा किसका होता है, बैक्टीरियोफेज। प्लाज्मिड में डेटा भी दे रखे हैं इसका 1 to 100। हाँ, और इसके अलावा जो जीवाणु भोजी है बैक्टीरियोफेज उसकी 1000 कॉपी जो है वो बैक्टीरिया में बन सकती है, तो ऑब्वियसली इसका कॉपी नंबर क्या होगा, वेरी हाई होगा, और उसका एडवांटेज भी है, एडवांटेज ऑफ बैक्टीरियोफेज ओवर द प्लाज्मिड बिकॉज इट्स कॉपी नंबर इज वेरी हाई देन द प्लाज्मिड। तो अपने पास में आंसर हो जाएगा सेकंड। व्हिच इज नॉट ए स्टेप ऑफ पीसीआर टेक्नोलॉजी। तो आपको पता ही है कि पीसीआर में अपने पास में तीन स्टेप होती है, एनुलिन अपने पास में 42 या 40 के लगभग, एक्सटेंशन 72 के लगभग और डीनेचुरेशन 94 के लगभग। तो ये तीन स्टेप होती है, स्प्लाइसिंग जो होती है ये अपने पास में इसकी स्टेप नहीं है पीसीआर में। स्प्लाइसिंग जो है सर ये तो अपने पास में डीएनए आरएनए जो अपने पास में एचएनआरएनए बनता है, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स फ्रॉम एचएनआरएनए इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। तो अपने पास में जो अपने पास में नॉन कोडिंग पार्ट्स होते हैं उनको हटाना। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा फोर्थ। बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट देयर
thereof and molecular analogs for product and service and definition given by, ठीक है, डेफिनेशन गिवन बाय किसके द्वारा दी गई है डेफिनेशन, तो ये आपके एनसीईआरटी की डेफिनेशन है कि बायोटेक्नोलॉजी जो होती है उसको अपने पास में किसके अकॉर्डिंग, ह्यूमन के अकॉर्डिंग यूजफुल बनाना, तो ये यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा दी गई थी, तो इसमें तो समझाने जैसा कुछ है बिल्कुल, लेकिन डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है याद करने की, कई बार पूछ लेता है ईएफबी स्टैंड फॉर यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कुछ बायोटेक में कुछ है ऐसी टर्म जिनकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, जैसे आपने बताया सर जीएसी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एनसीईआरटी से, जीएसी स्टैंड फॉर जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमेटी, तो ये सारी जो डेफिनेशन है वो आपको याद में रखनी है इनकी फुल फॉर्म, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है सर इससे इजी क्या होगा, पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये सारे आपको याद भी करने पड़ेंगे, और इसको पीपल चॉइस रिएक्शन भी बोल सकते हैं, तो अपने पास में ऑप्शन देख लेना आप। नेक्स्ट है अपने पास में नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस फॉर्मिंग बैक्टीरिया परफॉर्मिंग बैक्टीरिया, तो अपने पास में नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर जो अपने पास में है वो तो आपको सबसे पहले ही बताया जा चुका है, जैसे ये बैक्टीरिया था जो अपने पास में क्या होता था डाइकोट प्लांट्स के अंदर अपनी जीन को जो टीडीएनए पर अपने पास में टीडीएनए पर जो जीन थी ट्रांसफर करता था उसको डाइकोट के अंदर, और इससे अपने पास में कैंसर जैसे गांठें बन जाते थे डाइकोट रूट के अंदर, तो ये बस सिर्फ नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है, इसको कोई मतलब नहीं था, बस ये जीन ट्रांसफर करता था, इसको मजा आता था और कोई मतलब नहीं था इसको कि भाई क्यों करना है क्यों नहीं, बस ये अपने पास में जीन ट्रांसफर करता रहता था, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसिस अपने पास में इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास में विच इज राइट स्टेटमेंट अबाउट टू बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बारे में आपको राइट स्टेटमेंट करना है सेलेक्ट, तो हम देखते हैं पहला इट इज अफेक्टेड बाय द क्रिस्टल ऑफ प्रोटीन, बैक्टीरिया थोड़ी अफेक्टेड होता है क्रिस्टल ऑफ प्रोटीन, अगर प्रोटीन क्रिस्टल फॉर्म में है तो सर ये तो इनएक्टिव फॉर्म हो गई, इनएक्टिव फॉर्म हो गई तो बैक्टीरिया इससे अफेक्टेड नहीं होता है, तो ये अपने पास में स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। इट प्रोटेक्ट टू बीटी कॉर्न, ठीक है, एंड बीटी ब्रिंजल फ्रॉम हार्मफुल पेस्ट, ये सही है सर, तो बीटी कॉर्न जो होती है जैसे अपने मक्का वगैरह और बीटी ब्रिंजल भी बनाया गया, बीटी कॉटन भी बनाया गया, तो बीटी से तो बहुत सारी स्पीसीज हमारे पास में डेवलप की गई, ठीक है, बीटी कॉटन प्रिपेयर बाय द क्लोनिंग ऑफ कंप्लीट न्यूक्लियस, तो कंप्लीट न्यूक्लियस की क्लोनिंग नहीं की गई थी, सिर्फ और सिर्फ बीटी जीन की क्लोनिंग की गई थी, न्यूक्लियस से हमने किसको निकाला था डीएनए को, और डीएनए में हमने कट कर लिया था बीटी जीन को, तो अपने पास में केवल और केवल किसकी क्लोनिंग की गई थी बीटी जीन की, तो ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है क्रिस्टल ऑफ प्रोटीन मॉडिफाइड इनटू टॉक्सिक सबस्टेंस इन मिड गट ऑफ पेस्ट, बिल्कुल सही बात है भाई, अपने पास में मिड गट में जाकर के टॉक्सिक सबस्टेंस में चेंज हो जाते हैं और वही कहानी आगे एपिथेलियम सेल से बाइंड होकर के पोर बना देते हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो अपने पास बी एंड डी, बी एंड डी सेकंड ऑप्शन। व्हिच टाइप ऑफ कटेड स्ट्रैंड आर मोस्ट यूजफुल इन रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है सर ने, जैसे पहले भी इसको डिस्कस किया था, अपने पास दो टाइप के एंड जो है प्रोड्यूस होते हैं, स्टिकी एंड एंड blunt end, and the most useful ends in genetic engineering are the sticky ends. एक example भी सर अपने बताया था GAATTC, अगर आप इसको कट करवाते हो equiarpus से तो ये कौन से end produce करेगा sticky ends, और sticky end को join करना बड़ा easy होता है because they consist the complementary ends, तो complementary end जो है उनकी वजह से इनमें क्या बन जाएंगे hydrogen bond और DNA ligase easily क्या करेगा उसकी joining को फैसिलेट करता है, तो जनरली अपन यूज कौन से करेंगे स्टिकी एंड कंटेनिंग डीएनए, तो अपने पास में स्टिकी एंड कंटेनिंग डीएनए यूज करेंगे। नेक्स्ट है ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मूविंग डीएनए फ्रेगमेंट आर विजिबल अंडर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दिस डीएनए स्ट्रैंड आर स्टैंड बाय, काफी बार आ चुका है इथिडियम ब्रोमाइड, डायरेक्ट याद रखना है, इंपॉर्टेंट भी है, अब की बार नीट में सर आया था एक क्वेश्चन, हाँ तो ये अपने पास में इथिडियम ब्रोमाइड आपको लर्न ही करना है, तो इसलिए अपने पास में ये हो जाएगा।
विच बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन चैन ए एंड चैन बी ऑफ इंसुलिन हार्मोन। तो ये आपको पहले ही बता चुके हैं हम, डाइसल्फाइड बॉन्ड। हाँ, कि भाई अपने पास में प्रोटीन है और प्रोटीन में भी एंजाइम है, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर होगी एक तरह से, और टर्शियरी स्ट्रक्चर में आपको पता है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड के बीच में, तो अपने पास में आंसर हो जाएगा डाइसल्फाइड बॉन्ड। Arrange the step involved in humulin production in a sequential manner. तो आपने को ये arrange करना है कि अपने पास में किस प्रकार से human insulin का formation किया। और ये procedure को जो है, जो steps होती है उसके according इसको sequence करना है। इसमें चार step दी हैं। Isolation of donor or DNA segment. फिर दे रखा introduction of RDNA into the recipient organism. दे रखा formation of recombinant DNA and production of multiple copies of the RDNA. तो obviously सबसे पहले आपको isolation पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल, cell को isolated करेंगे, first step. Isolate करके आपको करना क्या पड़ेगा? आपको formation of recombinant DNA. आपको recombinant DNA उसका क्या करना है? Formation करना है। फिर उसके बाद में जो आपका recombinant DNA है, उसको introduce करना है within the recipient organism. और उसके बाद में जो RDNA आपका introduce करवाया है, उसकी क्या होंगी? Multiple copies होंगी, तभी क्या होगा? उसका जीन का प्रोडक्ट मिल पाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपका सीक्वेंस अरेंज होगा। Which of the following is used to deliver desirable gene into animal cell? तो ये तो आपको शुरू से भी बता चुके हैं कि animal cell में अपने पास में disharmed retrovirus हम यूज करते हैं, तो अपने पास में जिनकी प्रॉपर्टी कैंसरस होती है उनको हम खत्म कर देते हैं, तो उनको यूज करते हैं। फंक्शन ऑफ रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इन बैक्टीरिया इज, तो बैक्टीरिया में अपने पास में एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के फंक्शन आपसे पूछा गया है, तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, ये तो आपको शुरू में हमने बताया था कि 900 अपने पास में रेस्ट्रिकेशन एंजाइम हम सेपरेट कर चुके हैं 200 के लगभग अपने पास में स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया में। इसका मतलब ये बैक्टीरिया में इतने ज्यादा अमाउंट में होते हैं तो कुछ तो बेनिफिट होगा, और ये बेनिफिट आपको पहले ही बता चुके हैं हम पिछले गुरु नीति में भी कि भाई बेनिफिट क्या होता है। तो इसका मतलब यह है कि भाई अपने पास में ये एंजाइम जो है ये बैक्टीरियोफेज को जो डीएनए आता है उसको क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। और बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो अपने पास में बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं। तो अपने पास में इसमें देख लेते हैं रेस्ट्रिकेशन ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज, तो यही पहला हो गया। तो अपने पास में बैक्टीरिया की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरियोफेज इन बैक्टीरिया। फर्स्ट रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया वाज डैश डैश। तो अपने पास में ये आपको एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है सर, इन सेकंड अपने पास में, और 1968, तो ये अपने पास में थर्ड आंसर हो जाएगा। Each restriction endonuclease can cut each of the two strands from a specific point of palindromic DNA. EcoR first can cut bond DNA between. तो EcoR first की restriction site अभी सर लिख रहे हैं और आप जानते हो GAATTC। तो अपने पास में ये बता भी चुके हैं अपन जो cutting site है between G and A। तो cutting site हो जाएगी G और A के बीच में। तो अपने पास में ये answer is third. थर्ड आंसर। द नेम ऑफ इको आर फर्स्ट रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कम फ्रॉम, तो आपको पता ही होना चाहिए कि भाई फर्स्ट नाम जो है ये किसका है? जीनस का। ये दो स्पीसीज के, ये स्ट्रेन का है और ये आइसोलेशन का कर्म है अपने पास में कौन सा किया गया। तो अपने पास में इको आर फर्स्ट का पूरा नाम हो जाएगा इस्ट्रिया कोलाई RY13। ये इसका पूरा अपने पास में नाम होगा, RY स्ट्रेन का पूरा नाम है RY13। तो अपने पास में इससे अपने पास में इसका नाम दिया गया है। याद रखना ही है डायरेक्ट, इसकी जो बैक्टीरियल स्ट्रेन है उसका पूरा नाम दे रखा है इकोलाई RY13। ओके, नेक्स्ट।
If bamfest is used during formation of recombinant DNA, then non-recombinant bacteria will grow on. तो आपको PCR के डायग्राम वो सॉरी प्लाज्मिड जो PBR 322 है उसके डायग्राम में आपको जाना बिल्कुल बड़ा सिंपल इसको अपन देखो स्टार्टिंग में डिस्कस किया था आपके पास जो PBR 322 है उसमें दो सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं एक तो थी MBR रेजिस्टेंट जीन और ये हो गया आपकी TTR जीन तो देखो बाम एचमेंट साइट सर अपने डायग्राम पूरा एक्सप्लेन किया था बाम एचमेंट साइट प्रेजेंट इन द TTR जीन सो साइट पे अगर आपने डीएनए को इंसर्ट किया है यहाँ पर अगर आपने डिजायर्ड डीएनए को लाइगेट कर दिया तो ऑब्वियसली इट लीड्स टू द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ टीटीआर जीन ऑब्वियसली टीटीआर जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा तो ये जो आरडीएनए कंटेनिंग होस्ट सेल है वो आपके टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो नहीं करेगी बट एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में क्या करेगी इजीली ग्रो करेगी इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है पूछा यही है ये बाम एच1 इज यूज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए देन नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया विल ग्रो पूछा क्या है जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हैं दे लैक द रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है सर वो आपके एम्पिसिलिन मीडियम में भी ग्रो करेंगे और टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग दोनों मीडियम में क्या करेंगे क्योंकि नॉन रिकॉम्बिनेंट में तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ ही नहीं उसमें तो जीन गई नहीं जीन नहीं गई तो अपने पास में प्लाज्मिड जिसके पास में होगा वो सब में ग्रो करेगा तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा मीडियम कंटेनिंग बोथ एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन नेक्स्ट क्वेश्चन What are disadvantages of the insulin isolated from pancreas of cattle and pigs? तो अपने पास में स्टार्टिंग में जो अपने पहले भी बताया था सर कि जो अपने पास में इंसुलिन था वो कैटल और पिग से अपने पास में निकाला जाता था क्योंकि सर देखो पिग जो है ज्यादातर चीजें इससे कि ह्यूमन से मैच होती है जैसे अपने पास में वॉल्व भी जो हार्ट ट्रांसप्लांट के वॉल्व होते हैं आजकल तो मेटल वॉल्व अपने पास में यूज करने लगे पहले तो पिग के करते थे तो पिग का इंसुलिन अपने पास में निकाला जाता था और उसको इंसानों को दिया जाता था अब अपने पास में देखो बिल्कुल कॉपी तो हो नहीं सकता है क्योंकि हम मैमल्स में हाई कैटेगरी में है वो अपने पास में लो कैटेगरी में है तो अपने पास में बहुत सारे अदर चीजें भी उसमें आती हैं तो वो क्या होता था एक तो कॉस्टली बहुत पड़ता था क्योंकि इतने कैटल्स तो अपने पास में डिस्ट्रॉय नहीं करते तो अपने पास में और दूसरा क्या होता था कि वो एलर्जिक बहुत होता था तो आधे लोगों को ही वो अपने पास में सूट होता था ज्यादातर को उससे एलर्जी होती थी अब हम बैक्टीरिया से हमारी जीन का प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो अमाउंट भी ज्यादा है और सस्ता भी है तो अपने पास में इट लेस इफेक्टिव नहीं इंसुलिन तो वो भी था तो इफेक्टिव तो बराबर ही रहता था इट कॉज एलर्जी इन सम पेशेंट तो ये बिल्कुल सही बात है जो पेशेंट होते थे उनमें वो अपने पास में एलर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता था तो इसलिए अपने पास में क्या होता है उसका ये ड्रॉबैक था जो स्टार्टिंग इंसुलिन था बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आगे चलते हैं 134 The recombinant plasmid will lose ampicillin resistance gene. बिल्कुल सेम वही टाइप का क्वेश्चन है। तो ampicillin resistant gene कब जो है लॉस होगी तो बड़ा सिंपल है अगर आपने जो आपका डिजायर्ड डीएनए है उसको कहां लाइगेट कर दिया विद इन द AMPR जीन तो AMPR जीन में अगर आपको लाइगेट करना है तो देखो यहां पर आपको साइट याद रखनी पड़ेगी AMPR जो जीन है उसके अंदर साइट कौन कौन सी होती है अपने डायग्राम में बताया था PST1 एंड PUB1 तो अगर आपने इन साइट पे लाइगेट किया तो ऑब्वियसली उसका क्या हो जाएगा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन तो कब लॉस करेगा एमपीसी रेजिस्टेंट तो इसमें आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है इफ वी लाइगेट फॉरेन डीएनए एट PST1 साइट ऑफ PBR तो सर ये आंसर जो है करेक्ट हो रहा है फिर भी देखते हैं सेकंड ऑप्शन इफ वी लाइगेट फॉरेन डीएनए एट द इको आरफस साइट इसमें कोई रोल नहीं इको आरफस साइट जो होती है वो आउटसाइड द सेलेक्टेबल मार्कर होती है If you like it, foreign DNA का सालवन नहीं होगा सालवन किसमें होती है अभी बताया था आपको विद इन द TTR जीन इसके बाद like it, DNA का बामेचोन साइट भी किसमें होती है TTR जीन में तो आपको अगर इसका इंसर्शन इनएक्टिवेशन करवाना है तो कहां लाइगेशन करना पड़ेगा एट PST1 और PBU1 साइट तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट द लिमिटर दैट इनफैक्ट The root of tobacco plant and cause a great reduction of yield is देखेगा अपने पास में निमेटोड्स की बात कर रहा है और अपने पास में ये निमेटोड होता है सर लेडिगाइन इनकोगिनेसिया जो अपने पास में होता है ये निमेटोड होता है और ये डाइकोट प्लांट में मेनली अपने पास में टोबैको में इन्फेक्शन करता है और वही काम करता है जो अपने पास में कौन करता था
बीटी वो सॉरी अपने पास एग्रोबैक्टीरियम करता है। ये एग्जांपल आपको डायरेक्टली याद रखना है, टोबैको प्लांट को कौन इफेक्ट कर रहा है, मेलोडीगाइनी इनकॉग्निशा, दैट इज अ टाइप ऑफ नेमेटोड दैट कॉज द रूट नोट डिजीज। और जैसे डिजीज होगी तो ऑब्वियसली आपकी जो रूट्स हैं वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, तो आपका जो प्लांट है उसका प्रोडक्शन काफी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तभी अपन ने काम में ली थी सर आरएनएआई, आरएनएआई से उसको यूज क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि जो आपका जो ये पैथोजन है वो उसको इन्फेक्ट ना कर पाए। वी कैन मेक द पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका मेलोडीगाइनी इनकॉग्निशा। तो अपने पास में ये हो जाएगा, देखेगा अपने पास में कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है। मेरे ख्याल से अब याद भी हो गए होंगे, इतनी बार रिपीट हो रहे हैं तो आपको पूरे अच्छे से याद रखने हैं। तो इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा, व्हेन रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर इनटू ए होस्ट सेल अक्रॉस द सेल वॉल मेम्ब्रेन इंक्रीज थ्रू द ट्रीटमेंट ऑफ। तो ये अपने पास में ज्यादा ऑप्शन के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो ये बैक्टीरिया के लिए बात हो रही है, और बैक्टीरिया के लिए आपको पता ही है कि हीट सोक मेथड है जो जनरली बैक्टीरिया के लिए यूजफुल होता है। और हीट सोक मेथड में एक तो सर अपन डाइवेलेंट, सबसे पहले डाइवेलेंट काम में लेंगे, जो पॉजिटिव है आयन वो काम में लेंगे, हम नेगेटिव आयन काम में नहीं लेते। तो डाइवेलेंट एनायन हमारे पास में जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर हम सोक देंगे उसको, सोक देंगे और देन प्लेस एट द 0 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर। इसका अकॉर्डिंग सीक्वेंस पूछा है इसने, ए सी एंड डी। सी इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द एगरोज जेल व्हिच हेल्प इन द सेपरेशन ऑफ आर डीएनए सॉरी सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज। एगरोज जेल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, सर काफी बार आपने बोल दिया ये, इस लेक्चर में भी काफी बार हो गया, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द, देखो सर ने बोला था जिलीडियम ग्रेसलेरिया, इसके अलावा रेडल की भी चला जाएगा सीवीड, तो मतलब ये सारे ऑप्शन सेम ही है, उसी तरह आपको जाना है ऑल ऑफ दीस। फोर्थ आंसर हो गया, मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ डिजायर्ड डीएनए इनटू होस्ट सेल। तो अपने पास में ये अपने को करना है मैच द कॉलम, तो हम इसको देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट का मतलब वेक्टर लेस हो गया सर, बिल्कुल मैच कर देते हैं सीधा, जीन गन हो जाएगा आपका, जीन गन हो जाएगा, माइक्रो इंजेक्शन हो जाएगा, और ये जो है मेथड तीनों ये आपके हो जाएंगे इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट बाय द यूज ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर का यूज होगा ये इनडायरेक्ट, और वो जो है एक प्लांट सेल के लिए और एक अपने पास में एनिमल सेल के लिए। तो अपने पास में ये हो जाएगा, तो इस तरह से आप मैच कर सकते हो इनको, तो आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट पीसीआर प्रोसेस। पीसीआर के बारे में अपने पास में रॉन्ग अपने पास में छटना है, पहला है इट कैन प्रिपेयर मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए, बिल्कुल सही बात है, अपने पास में जो डीएनए जो है उसकी मल्टीपल कॉपी बनाने का काम अपने पास में होता है वो पीसीआर का होता है, क्योंकि इसे जीन क्लोनिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। इट रिक्वायर्ड टैग पॉलीमरेज एंजाइम, ये भी सही है सर, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर काम होता है और हाई टेम्परेचर पर टैग पॉलीमरेज ही काम करता है, ठीक है। इट इज यूज इन मोलिकुलर डायग्नोसिस ऑफ पैथोजन, ये भी सही है, क्योंकि अपने पास में जो एचआईवी हो या अपने पास में कोरोना वायरस हो, जिनका अपने पास में कम अमाउंट होता है, तो उसके डायग्नोसिस में मेनली यूज किया जाता है ये। तो अब इसके बाद में लास्ट है, इट इज नॉट यूज टू अर्लियर डायग्नोसिस ऑफ एचआईवी, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अपने पास में सिंपल सी बात आप जानते हो कि जो ये पीसीआर मेथड है वो अपने पास में बहुत कम अमाउंट में अगर पैथोजन है तो उसको भी डायग्नोसिस कर सकते हैं, तो ये अपने पास में रॉन्ग हो जाएगा, फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो आंसर भी फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is used in cure of emphysema disease in human bodies. तो emphysema सर एक तरह से लंग्स की डिजीज है, जिसमें alveoli जो होता है इसका ये जो septa होते हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो अपने पास में इस तरह का लंग्स बन जाता है, जिसके कारण से अपने पास में सरफेस एरिया जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए वो कम हो जाता है, और ऐसे डिजीज के जो बोला जाता है एम्फिसाइमा बोला जाता है, और इस एम्फिसाइमा के उपचार के लिए अपने पास में जो यूज किया जाता है वो होता है अल्फा एंटीट्रिप्सिन, एंटीट्रिप्सिन,
ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में हम बात करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम, हाउ ट्रांसजेंडिक एनिमल आर यूज्ड इन ह्यूमन वेलफेयर। तो अब इसको देखेगा तो ये सारे देखो एनसीईआरटी में दिए भी हैं कि ट्रांसजेंडिक एनिमल्स का क्या यूज है। जैसे एग्जांपल दिए आपके टू ऑब्टेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, अभी सर थोड़ी देर पहले आपने बताया था अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन जो रोजी का हुआ है उसमें यूज कर रहे हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग बिल्कुल करते हैं, केमिकल्स वगैरह को डिजाइन करते हैं, तो सेफ्टी के लिए अपन ट्रांसजेनिक एनिमल को यूज करते हैं ताकि उसका जो इफेक्ट है वो अपन पता कर पाए। फॉर अंडरस्टैंड नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, तो अगर आपको कोई जीन जो है उसकी स्टडी करनी है ह्यूमन जीन की, तो ऑब्वियसली उस जीन को अपन किस में ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल में, तब पता लगाएंगे कि उस जीन का अपनी नॉर्मल फिजियोलॉजी में क्या रोल है और उसके डेवलपमेंट में क्या रोल है। तो इन सभी के लिए किसका यूज करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का। इसके अलावा और भी दे रखे हैं द स्टडी ऑफ diseases and also we can vaccine use for the transgenic animal for the safety of vaccine. So vaccine safety, chemical safety testing, ये सारे आपके जो है advantage हैं इनके। Obviously यहाँ answer हो जाएगा आपका fourth। Which two plants of India are listed for patent by another country? देखिएगा अपने पास में बायो पैटेंट और बायो पायरेसी, बायो पैटेंट ये कुछ वर्ड्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के। बायो पायरेसी का मतलब है किसी भी देश के संसाधनों का बायो पैटेंट इनलीगल कराना, बायो पायरेसी होता है। और इंडिया के भी दो अपने पास में जो थे नीम और टर्मरिक, इसके बायो पैटेंट अमेरिका की एक कंपनी ने कराया था, जबकि सर अब तक नीम का तो अपने पास में उसको हटा दिया गया है, अभी हल्दी का प्रोसेस चल रहा है। तो अपने पास में नीम और टर्मरिक, ऐसे राइस का भी करा लिया था बासमती राइस का, लेकिन अपना इतिहास इतना पुराना है तो उन चीजों को हम धीरे 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 जीएसी अपने पास में उनको बता रही है कि भाई ये इंडिया के प्रोडक्ट है, इनलीगली कोई कंपनी इनको हत्या चुकी है तो उसको सही किया जा रहा है। तो अपने पास में नीम और टर्मरिक आ जाएगा। नेक्स्ट है, सम प्लाज्मिड्स मे हैव ओनली वन और टू कॉपी पर सेल, वेयर एज अदर मे हैव फॉलोइंग नंबर ऑफ कॉपी पर सेल। बिल्कुल ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, वही कॉन्सेप्ट आ गया। हाँ, 15 टू 100 कॉपीज इन बैक्टीरिया, ओआरआई पे डिपेंड करता ही है। एन एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए यूजिंग फॉर साउथर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डज नॉट यूज्ड। बिल्कुल, जो टेक्निक है आपकी उसके अंदर अपन यूज करते हैं, ब्लोटिंग काम में आती है, ऑटो रेडियोग्राफी काम में आती है, इलेक्ट्रोफोरेसिस को भी यूज करते हैं, लेकिन पीसीआर का उसमें कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है। तो ये नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है सर। बिल्कुल, और अपन क्या करते हैं डीएनए जहां होता है वहां से अपन साधारण ब्लोटिंग टेक्निक सोच लेते हैं, तो अपन यहाँ सोचते हैं कि पीसीआर में भी अपने पास में इसका यूज आना चाहिए, और अपने पास में उसके हिसाब से आंसर जो होता है वो बोनस सोच करके गलत कर देते हैं। तो अपने पास में फोर्थ आंसर जो है वो सही हो जाएगा। डीएनए सेगमेंट टैग विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, ये अपने पास में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्वेश्चन है अपने पास में, कि अपने डीएनए जो सेगमेंट है वो छोटे छोटे डीएनए सेगमेंट बनाए जाते हैं और इनको बोला जाता है रेडियो एक्टिव प्रोब। और रेडियो एक्टिव प्रोब क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिवली होते हैं, इनसे अपने पास में रेडिएशन निकलती रहती है जिससे कि हम ऑटो रेडियोग्राफी आसानी से कर सकते हैं। तो अपने पास में देखो, जैसे मान लो कि हमने डीएनए सेगमेंट पे इस तरह से बैंड अलग कर लिए, तो अब हम क्या करेंगे, डीएनए रेडियो एक्टिव प्रोब डालेंगे और प्रोब छोटे छोटे अपने पास में रेडियो एक्टिव डीएनए पार्टिकल होते हैं और ये क्या करेंगे अपने अपोजिट साइड पर जाकर के अटैच हो जाएंगे। फिर हम इसकी क्या कर लेंगे, एक्सरे फिल्म उतार लेंगे और वही अपने पास में क्या हो जाएगी सर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो अपने पास में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसमें प्रोब पर तो काफी क्वेश्चन बन ही जाते हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रोब। प्रोब ओवर 95% ऑफ ऑल ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अपने पास में बताइए सर, ये तो आपको याद भी होना चाहिए कि ज्यादातर जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए गए उसके लगभग 95% जो होते हैं वो माइस बनाए गए, ट्रांसजेनिक चूहे बनाए गए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली क्लियर द अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट्स बिल विच इज, ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेटिव बनाए, तो जो बिल पास किया गया था वो कौन सा है आपका, सेकेंड अमेंडमेंट जो है उसके अंदर इसका संशोधन किया गया है।
ठीक है, तो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव है। इसको कई बार क्या डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि संसद ने हाल ही दिनों में भारतीय पेटेंट विधेयक में जो संशोधन पारित किया गया है वो कौन सा आपका द्वितीयक संशोधन, मतलब दो संशोधन हो चुके हैं याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिस्ट कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय यूज ऑफ ए जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑफ प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफोरियम इज। देखिए ये तो आपको पहले ही बताया गया है, बॉयर और कोहेन ने अपने पास में ये सबसे पहले जो बनाया था इकोलाई वो बनाया था और साल्मोनेला से इसके जीन को लिया गया था। फर्स्ट जो कंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड था वो डिजाइन किसने किया था, स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड आरडीएनए प्रिपेयर्ड बाय स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। तो ये डायरेक्ट है आपका, इंफॉर्मेटिव हो गया, फोर्थ आंसर हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन है अपना बायोटेक्नोलॉजी की, इसका ए बायोरिएक्टर कंटेन 100 टू 1000 लीटर ऑफ कल्चर मीडियम, इट प्रोवाइड ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन फॉर होस्ट सेल लाइफ। तो अपने पास में सभी चीजें हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर भी चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए और अपने पास में पीएच भी ऑप्टिमम होने चाहिए। तो इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी की अपने पास में ये सीरीज खत्म हुई है। 150 क्वेश्चन सर अपने प्रोवाइड करवा दिए हैं और देखना काफी क्वेश्चन अपने रिपीट भी किए हैं ताकि एक बार रिवीजन अच्छा हो जाए। मेरा मानना है कि सर कोई अब इससे बाहर तो क्या आएगा, अगर बच्चे ने एनसीईआरटी को रीड करके ये 150 क्वेश्चन अगर रिवाइज कर लिया ना तो नीट में इनसे बाहर कुछ नहीं आना है। बार बार वही क्वेश्चन वही कॉन्सेप्ट जो है वो रिपीट करता रहता है, लेकिन प्रॉपरली रिवीजन होना चाहिए। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जो है डेटा वगैरह जो है, कोई भी आपको जो टेक्नोलॉजिकल बातें बताई है, कॉन्सेप्ट बताए हैं, उनको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना है। वो तभी होगा जब आप क्वेश्चन की रिवीजन करते रहेंगे। तो पूरा बायोटेक को अपने कवर कर दिया है, बायोटेक का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद में अपने इकोलॉजी की गुरुनीति आएगी, तो इकोलॉजी की गुरुनीति को भी फोकस करना है। इकोलॉजी अभी सर अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन देने का एक टॉपिक। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल आपका यहाँ कंप्लीट होता है और आशा करते हैं कि आपको अच्छा कंटेंट मिला होगा, लेकिन उस कंटेंट का फायदा तभी होगा जब इसको आप प्रॉपरली वापस रिवाइज करोगे। ओके सर, ओके, ऑल द बेस्ट।